हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल कविता शर्मा ब्लॉग पर। और बने रहिए मेरी वीडियो देखने के लिए। और हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए। मेरी तो इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ेगा। विपिन का बर्थडे है, तो विश भर भर के विश करिएगा। हैप्पी बर्थडे विपिन, गॉड ब्लेस यू। तो चलिए, गुड्डू हमें बुलाने के लिए आ गई है। लक्की हेलो, हेलो करो लक्की। ये पापा की है, पापा की टी शर्ट है। किसे नहीं पसंद आई? मुझे नहीं आई। हाँ, मैंने ब्लू कलर मैंने करा था। ब्लू कलर ही है, कोई बात नहीं। हेलो करो, हेलो करो, हेलो गुड्डू, हेलो करो, हेलो करो। तो यहाँ पर मैं और लक्की जा रहे हैं बाइक पर, और मुझे बाइक पर जाना ही अच्छा लगता है। और कार्तिक जो था वो उनके साथ था गाड़ी में, और मैं और लक्की हम मोटरसाइकिल पे, और मुझे मोटरसाइकिल पे ही अच्छा लगता है बहुत। तो वे जा चुके हैं वहाँ पर और हम जा रहे हैं धीरे धीरे। मैंने लक्की को कहा, लक्की तेज़ मत चला, तेज़ मत चला। और ये ना बहुत ही धीरे धीरे ले जा रहा है अब। और अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और विपिन केक काट रहा है। तो हैप्पी बर्थडे बोलिएगा सब। लेट चल रही है वीडियो बहुत ज़्यादा, तो मेरी तबीयत ख़राब है ना, इसलिए मैं डाल नहीं रही थी। और लेट चल रही है बहुत ज़्यादा वीडियो। और यहाँ पर केक कटिंग हो चुकी है और हम सब खाएंगे अब केक। केक खाएंगे और खिलाएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, इंजॉय कर रहे थे। और अब हम बैठ कर रहे हैं खाने का इंतज़ार। तो खाना आएगा और फिर हम खाएंगे। मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने तो खाया। इच्छा बिल्कुल नहीं थी, घर से ही कह रही थी। मैंने कहा नहीं, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं जा रही। पर फिर मैं चली गई थी और खाना भी खाया मैंने, सब कुछ खाया। मना कर रही थी फिर भी। और खाना आ चुका है, तो आप भी खा लीजिए। तो चलिए हम भी खाते हैं और आप भी खा लीजिए। क्या चाहता था ना? चलिए जी, खा पी के निकल लिए हैं। हेलो बोल दे। हेलो, सूट अच्छा लग रहा है बहुत। थैंक यू। ये उठा के रख रखा था। हाँ, मैं सोची दूसरी बार मैंने देखा पर यो नहीं पे। विपिन भी बोल रहे थे, मैंने कहा नहीं पे, नहीं पहली बार। चल हमारे साथ बाइक पे साथ जा रहा है बाइक पे। तने मेले में चला क्या? चलेंगे। हैं जा रही है वोट डालने के लिए। रश्मि को फोन किया है, आने वाली है। सुबह सुबह भी भीड़, फिर थोड़ी देर बाद कार्तिक को भेजा। जब भी भीड़, बहुत भीड़ लग रही है। और धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, गर्मी हो रही है, लाइन लग रही है बहुत ज़्यादा। तो बोला था कार्तिक को, मैंने कहा देख क्या भीड़ लग रही है, मम्मी बहुत भीड़ लग रही। तो अब देखते हैं भीड़ लग रही है या नहीं, चलते हैं। फोन तो पता नहीं ले जाना अलाउड है या नहीं। चलते हैं जी वोट डालने के लिए। वोट डालना हमारा अधिकार है,
सबको वोट डालनी चाहिए, यही तो एक वो है जिस पे हमारा अधिकार होता है जिस पे हमारा अधिकार होता है। तो वोट डालकर आ चुके हैं घर पर, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मैं बोलती हूँ भीड़ तो नहीं है, तो भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, आराम से वोट डाल ली, तो आ गए हैं। अब देखते हैं क्या करें क्या ना करें। बहुत देर से बैठी हूँ मैं रश्मि के पास, तो चलिए जी। और यहाँ करने लगी हूँ मैं प्रेस सारे कपड़ों पर, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे प्रेस के लिए, वैसे तो मैं तय ही कर देती कुछ कपड़ों की, लेकिन बारिश आ गई थी एकदम, मैंने कपड़े उठा के फटाफट कुर्सियों पर रख दिए, और जब देखे तो पूरे कपड़ों पर बल आ चुके थे, इसलिए मुझे सारे कपड़ों पर प्रेस करनी पड़ रही है। और कहीं मुझे प्रेस करने की जगह नहीं मिली, फिर नीचे ही चादर बिछाई बैठ कर कर रही हूँ आराम से, और अच्छा लग रहा है नीचे बैठ कर भी प्रेस करना, तो नीचे चद्दर वद्दर बिछा रही थी और फिर प्रेस कर रही थी, तो बहुत सारे कपड़े हो रहे थे प्रेस करने के लिए। और प्रेस का काम मुझे सबसे बोरिंग ही लगता है, प्रेस करना ही बोर लगता है, पर करनी पड़ती है, और पता नहीं बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, कोई बात नहीं, हर काम करना पड़ता है। और बैठ के आराम से हो रही थी प्रेस, फोल्डिंग तो मेरा टूट ही गया जिस पर प्रेस करती थी डेली, तो चलिए फिर मैं देख ही रही थी मैं कहाँ करूँ प्रेस कहाँ करूँ, फिर आइडिया आया, मैंने कहा नीचे बिछाओ चादर और फिर करते हैं प्रेस, तो फिर नीचे चादर बिछाई और फिर प्रेस करने लगी, मैंने सोचा डोरी छोटी भी ना रह जा नीचे प्रेस करूँगी तो, पर नहीं पूरी आ रही थी बिल्कुल डोरी, सब सही हो रहा, तो फटाफट मैंने कर दी है प्रेस सारे कपड़ों पर। ये तो जल्दबाजी की है, मैंने तो बहुत टाइम लग गया था, कम से कम एक डेढ़ घंटा लग गया था प्रेस करते करते, तो हमारी प्रेस भी चलो ख़त्म हो जाएगी। हेलो जी, प्रेस वेस कर लिए, बहुत सारे कपड़े थे प्रेस कर लिए, फिर मैंने कहा चलो थोड़े कपड़ों पर फिर करेंगे, और मेरा हाथ भी जल गया, मैंने सोचा करंट लगा बहुत तेज़ी से, मैंने कहा इतनी जोर की करंट लगा, पर देखा जल रहा है बहुत सारा हाथ। और रोज़ डेली मैं व्लॉग इसलिए डाल दी क्योंकि मेरी तबीयत रहती है बहुत ज़्यादा ख़राब, और बच्चे सोचते हैं मम्मी को ना कुछ नहीं हुआ, क्योंकि काम करती फिरती रहती है ना मम्मी सारा दिन काम करती रहती है तो कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा हाँ, तो बच्चों को ऐसे ही लगता है, अब किसे बताएं क्या बताएं। और मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और देखो डॉक्टर ने मुझे कब बोला था कि ड्रिप लगवाने के लिए, फिर नवरात्रे लग गए, मैंने कहा नवरात्रे रखूँगी और नवरात्रों के बाद जाऊँगी फिर डॉक्टर के यहाँ, और चलो खून की कमी की और इन्फेक्शन आता उसका तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी ना एक साइड में ना बहुत दर्द है, एक साइड में दर्द नहीं एक साइड में कुछ है ऐसा महसूस देता है कि कुछ है इस साइड ना राइट साइड, जैसे कुछ है मतलब मुझे महसूस देता है कि कुछ है, तो मुझे डर लगता है, इसके लिए तो अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, और मुझे डर लगता है अगर कुछ बीमारी निकलेगी ना, और सबसे ज़्यादा बड़े सबसे तो ज़्यादा मुझे डर पता है किस चीज़ से लगता है, ऑपरेशन से, मैंने कोई ऐसी बीमारी ना निकल जाए जिसका ऑपरेशन करना पड़े, तो मुझे बहुत घबराहट होती है इसीलिए, तो मुझे ये है कि कोई बीमारी ऐसी ना देना भगवान जिससे मुझे ऑपरेशन कराना पड़े, और ऑपरेशन वाली बीमारी तो बिल्कुल नहीं देना, और ये छोटी मोटी ये तो कुछ नहीं है, खून की कमी है तो ये तो पूरी हो जाएगी खाने पीने से और उससे, तो ये कोई ज़्यादा वो नहीं है, तो इस साइड से, और वो कमर में दर्द निकलता है, और कोई बोल देता है अपेंडिक्स है, मैंने कहा अपेंडिक्स का तो बहुत भयानक दर्द होता है, वो तो सहन नहीं होता, तो आज तो मैंने बच्चों की भी वाट लगा दी, मतलब उन्हें बताती हूँ नहीं मैं क्या हो रहा, काम करती फिर हो जाऊँ, मतलब हिम्मत नहीं हारती बिल्कुल भी, तो बच्चों को क्या पता बेचारों को, जब मैं कहती ही नहीं मुझे कुछ हो रहा या नहीं, काम करती फिर हो जाती हूँ किसे बताऊँ मैं, तो आज वाट लगा दी, अपने आप ही गुस्सा
गुस्सा आया बहुत ज्यादा। मैंने कहा मैं अकेली जा रही डॉक्टर के, मत जाओ। चलो मम्मी मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। मैंने कहा नहीं कोई नहीं, मैं अकेली जाऊंगी, अकेली जाने में क्या है। मैंने कहा मैं जा रही हूँ डॉक्टर के दिखाने के लिए, मैं अकेली जा रही हूँ। फिर लगी मम्मी जल्दी जल्दी मैं चल शाम को जाऊंगी। फिर मैंने कहा हंसती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ तो बच्चों को ना ऐसा लगता है कि जैसे ना मम्मी बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ। और मुझे ही पता है कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए मैं डेली व्लॉग नहीं बना रही और ना मैं डालती हूँ, मतलब पीछे से चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। और मुझे ना यही टेंशन हो रही है कि कुछ निकल ना जाए, ये कुछ हो ना, मतलब महसूस देता है जैसे इस साइड में ना कुछ है, महसूस देता है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा सा हो रहा है कुछ। इस साइड कुछ नहीं है और मैं इधर ना ऐसे ऐसे दबा कर भी देखती हूँ ना तो दर्द निकलता है, बहुत दर्द होता है। और फिर इसका दर्द ना कमर में भी कमर में को निकलता है, तो कोई अपेंडिस बताता है, कोई पथरी बताता है, कोई अंदाजा लगा रहे हैं, मतलब अभी तक अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया कि क्या होगा। तो इसका मुझे डर लग रहा है, उसका नहीं डर लग रहा कि डॉक्टर ने बोल रखा है ड्रिप लगवाने को, तो उसका तो मुझे डर नहीं लगता, खून की कमी इन्फेक्शन बताया। मुझे बस इसी का डर है, ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। तो लक्की का फोन आया था, मम्मी जल्दी डॉक्टर के चलो। मैंने कहा चले जाएंगे, और मैं ही नहीं जाना चाहती और बच्चों में गुस्सा हो जाती हूँ। मैंने कहा हाँ कोई नहीं दिखाता मुझे, कोई नहीं है, मैं काम करती रहती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ हो नहीं रहा। और गुस्सा भी दिखाती हूँ और मैं जाना भी नहीं चाहती, लेकिन अब मैंने सोच लिया कि मैं ज़रूर जाऊँगी। तो चलिए बातें बहुत हो ली है और सांस चढ़े रहती है सारा दिन। और एक ने बोला है कि आप ना मेरा नाम कभी भी नहीं लेते, तो मैंने उनसे उन्हें लिखा भी है कि आपका नाम क्या है। तो उनकी आईडी है, उनकी आईडी का नाम मैं उनकी आईडी के नाम से ही बोल रही हूँ, उनका नाम तो मुझे पता नहीं। मैंने लिखा भी था उनको कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम नहीं दिया। तो मंजू सिंह पनवार के नाम से उनकी आईडी है। तो हेलो मंजू जी, कैसी हैं आप? ऐसा है मैं नाम तो बोल देती हूँ, मंजू भी नाम बोल रखा है मैंने पिछली वीडियो में, तो मैं ना पूरा नाम नहीं बोलती, तो उन्हें ऐसा लगता होगा कि इसी और का नाम बोल रही। तो मैं ना मैं जैसे मंजू सिंह पनवार है तो मैं आधा ही नाम बोलूँगी मंजू जी। तो किसी तो मैं बोलती तो हूँ, जैसे नीलम जी है तो मैंने बहुत बार नाम बोला, तो वे आगे जो सरनेम होता है वो नहीं मैं बोलती, तो इसलिए उन्हें ये लगता है कि मेरा नाम नहीं बोला। तो मंजू जी हेलो, कैसी हैं आप? और एक ने बोला था मेरे बेटों का नाम लीजिएगा, तो उनके बेटों का नाम है शुभ पवन और सहजदीप। तो हेलो कैसे हैं आप? और एक नाम था मोनिका, ये भी आईडी का नाम है, ये बहुत पहले नाम दिए थे उन्होंने, इसके बाद तो शायद एक दो वीडियो आ गई है। तो हेलो मोनिका जी, कैसी हैं आप? ये भी आईडी का नाम है उनकी। और एक नाम है सुनन्या, तो हेलो जी कैसी हैं आप? इन्होंने भी दिया है अपना नाम कि मेरा नाम बोलना है। और एक कविता सिंपल लाइफ स्टाइल, तो हेलो जी कविता जी कैसी हैं आप? तो मैंने आपके नाम बोल दिए हैं। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लग रही है। वैसे तो आप बहुत ही प्यारे कॉमेंट होते हैं आपके, जितने भी कॉमेंट हैं बहुत ही प्यारे होते हैं, कोई गलत कॉमेंट नहीं होता, तो तहे दिल से शुक्रिया आपका। तो चलिए कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।